तख्ती और हाय हाय के नारे लगाते लोगों की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। इन लोगों की मांग है कि गांव से शहर के बीच चलने वाली बस सेवा को दुरुस्त किया जाए। बता दें कि कुल्लू में सीपीएम के लोगों ने ग्रामीण और शहरी लोगों को ट्रैफिक में होने वाली समस्याओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों के हाथों में काफी सारे बैनर्स रहे। ये रैली अशोक भवन से ढालपुर चौक होते हुए डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय तक निकाली गई। जिला सचिव होता सिंह सौखला की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने प्रदेश की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि बंजार बस हादसे का शिकार हुए घायलों को वहां के अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बंजार अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, इसकी वजह से कई लोगों को समय से इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ये जो बंजार में बस दुर्घटना हुई है, और हमेशा हमारे प्रदेश की सरकारें तब जागती है जब कोई बड़ा हादसा होता है, और ये हादसा होने के बाद सिर्फ ये बसों की दिक्कत की बात नहीं है। आप देखते हैं जब वो दुर्घटना हुई, बंजार हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं थी, कुल्लू हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, कुछ लोग जो है टाइम से जो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको मौत के मुंह से जाना पड़ा। दूसरी बात, ये जो बात कही जा रही है ओवरलोडिंग की, हम मानते हैं बिल्कुल गलत है, लेकिन ये देखना भी सरकार का काम है कि कौन सी बस पे ओवरलोडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। और आज हम ग्रामीण क्षेत्र के रूट आपको बताएंगे। अगर आप पतलीकुल से शांचर, शिलालहाण, ये जो भूलंग आपका ये पीज, आप इधर पीणी रोड पे जाओ, और भी कई रोड है जहाँ पे एक बस जाती है मात्र, वहाँ पे 80-80, 100-100 सवारी होती है। आप जाइए, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप पतलीकुल में 4 बजे खड़े हो जाइए वहाँ पे, और देखिए उन बसों का हालात। और जब ये हादसा होता है उसके बाद ओवरलोडिंग को कहा जाता है कि बस का दुर्घटना का है रीज़न, हम मानते हैं, लेकिन और भी कई कारण हैं जो अभी सामने आए हैं। बस की जांच सही ढंग से नहीं हो रही है, जिस पे अधिकारियों की कमी है कि वह जांच सही करनी चाहिए। लेकिन ये जो एकदम ओवरलोडिंग का रवैया, जो फैसला सुनाया सरकार ने, ये हम मानते हैं होना चाहिए, लेकिन उसका इंतजाम नहीं किया कि बसें होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, कई महिलाएं जाम कर रहे हैं। कुल्लू में भी 2 बार हुआ, पिछले कल डोबी में हुआ, इधर अन्नी के अंदर हो रहा है, सैंज में हुआ, भुंतर के अंदर हो रहा है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी कह रही है कि 25% ओवरलोडिंग हो सकती, कहाँ है ओवरलोडिंग है तो गलत है। हो कि हम बोल रहे हैं कि जो बसें आपके डिपो में जंग लग रहा है, उन बसों को चलाओ। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के रूट है, आप नोट करिए, हम कह रहे हैं सरकार को, आज हम ज्ञापन भी दे रहे हैं कि भाई उन रूटों के अंदर आप देखिए कितनी बस की ज़रूरत है। हो ना हो कोई ऐसा हादसा और होगा, सरकार खड़े हाथ करेगी, हो गया फिर जांच करेगी, और भी जांचे हुए, जीडी में हादसा हुआ, कुछ नहीं मिला, जिसके जो परिवार चले गए हैं। और आज हम कह रहे हैं, नंबर एक, ये जो नज़दीक के जो स्टेशन के लोग हैं उनको बस से उतारा जा रहा है। वाशिंग की बात करो, बदाक की बात करो, रामशिला की बात करो, हम बोल रहे हैं शहर में मुद्रिका बस और लगाई जाए। और एक मांग और कर रहे हैं कि लेफ्ट बैंक से काइस तक भी मुद्रिका बस चलाए, क्योंकि काइस से लेकर नीचे तक बसें नहीं रुक रही है। ये बिल्कुल हम कह रहे हैं, ये एक कारण नहीं, आप ओवरलोडिंग के चलान करिए, वो भी करिए, लेकिन बस का इंतजाम करिए। अगर नहीं करते हैं, ये तो आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं, 27 को, पिछले जून को हमने एक मांग पत्र दिया है मुख्य उपायुक्त महोदय के माध्यम से, कोई गौर नहीं किया जा रहा। आज हम सड़कों पर उतरे हैं, ये टोकन धरना है। अगर इंतजाम नहीं हुआ तो हम ये कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का सरकार का कोई भी मंत्री आए, जनता आज परेशान है, आप खुद जानते हैं, आप रोज़ कवर कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये बसों का इंतजाम करें, और ये लोकल रूटों पे जो है बसों का और इंतजाम करें, ऐसा ना हो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जानो बड़े लोगों के ऊपर और हादसा हो। दरअसल कुल्लू के लोगों को काफ़ी दिनों से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रदेश की सरकार लोगों को सुविधा देने में नाकाम हो रही है। वहीं प्रदेश की सरकार बंजार में सड़क हादसों के बाद बस के मालिकों और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे चुकी है। न्यूज डेस्क। अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है।
जी तो